प्लास्टिक है, ये छोटे साइज का स्पॉन्ज है। अब इसमें आप ये दोनों का जो पैकेट देखिए, दोनों का पैकेट पहले से दोनों को पैकेट के पैकिंग में कौन सा पैकिंग अच्छा लगा था? ये अच्छा लगा था, है ना? और इसकी पैकिंग और उसकी पैकिंग में कौन अच्छा था? ये अच्छा लगा, है ना? अब दोनों की पैकिंग में भी आपने ही बोल रहे हैं कि यही अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो हम इसके पैकेट को भी एक बार काटते हैं, ठीक है। ये बड़ा साइज है और ये छोटा साइज, छोटा साइज, ठीक है। अब दोनों पे हम बराबर बराबर से आप इसमें से पानी दे देंगे, जितना पानी आप इसके लिए देंगे उतना ही पानी इसके लिए देंगे। आधे ग्लास कर दूं? कर आप पहले दे। नहीं मेरे को नहीं पता ना कितना पानी अब्सॉर्ब कर लेगा। कर दिया हाफ, आप कर दिया मेरा पूरा भर लो, गीला ही हो जाए। नहीं हाफ ग्लास, हाफ ग्लास है ना, और थोड़ा दे दो, और थोड़ा दीजिए, और थोड़ा दे सकते हैं, और दीजिए, मैं मना कर दूंगा, ठीक है। 75% हो गया, इतना जो दिए हैं पानी इतना ही पानी फिर इसमें भी देना है, समझ गया आपकी बात, ध्यान रखिएगा। ठीक 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 ठीक, हम इसमें से ये पानी दे देते हैं। अब जितना दिए थे इसमें भी, ठीक है। बिल्कुल देख लो आप, इसमें पानी देखो मुझे आगे। अच्छा देख रहे हैं? देख रहा हूँ। हम लोग कपड़ा सुखाते हैं ना, पहले लोग गीला कपड़ा को पहले धूप में फैन फैलाएंगे, वही पहले सूखेगा, ठीक है। हाँ मम्मी अभी बैठे हैं, जरा कुछ समझा रहे हैं, बात कर रहे हैं, आ रहा हूँ। तो वो कपड़ा पहले सूखेगा जो पहले फैलाएंगे, हाँ ठीक है। और जो कपड़ा बाद में फैलाएंगे उसमें पहले बाद टाइम लगेगा, हाँ ठीक है। तो पहले हम किसमें पानी दिए, इसमें दिए थे, तो पहले इसको होना चाहिए। हाँ आप इस पर हाथ डालेंगे एक बार, ठीक है। तो पूरा हाथ रखिए ना, हाँ पानी आ रहा, ठीक है। दूसरा हाथ लाइए, हाँ दूसरा हाथ डालूँगा, प्रेशर कीजिए, फुल प्रेशर दीजिए, हाँ ठीक है, है नहीं कुछ, आप एक बार दीजिए। हाँ समझ गया मैं, ठीक है, आप एक प्रेशर दीजिए, ठीक। दोनों में सॉफ्ट कौन सा दिख रहा है? ये वाला, मैं उसको देख रहा था कि ये फूल रहा है, सॉफ्टली ज़्यादा है, है ना, और ये तो बिल्कुल प्लेन है एकदम। और ये देखिए दूसरापन इसका, देखिए इधर देखिए हाथ चाल के, और इसमें हाथ फर्क है, सॉफ्ट कौन सा है? ये ज़्यादा सॉफ्ट है, है ना। अब देखिए ये जो है ना, ये सिर्फ कलर है, ये इसमें एक एनियन चिप दिया हुआ है जो कि मतलब उसमें ऑब्जर्व करेगा उसको, मतलब हाँ जो कि ब्लड होता है ना उसमें वो बदबू नहीं दे, इसलिए ये दिया गया है। अच्छा। अब इसमें देखें, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो कि पूरा का पूरा जेल बन गया, ये जो जेल दिया हुआ है
ओनली फॉर सिर्फ ये किया यही पानी आ गया इसमें इसी में। अच्छा। ये मतलब इस तरह का क्वालिटी ही दिया कि इसमें ये नहीं होगा। अगर इसको थोड़ा सा भी निचोड़ भी देंगे ना देखिए आ रहा, जितना दबाएंगे उतना ही पानी आए। ठीक है, दबाएंगे जैसे पानी गिर जाए। ठीक है ना, तो ये एब्जॉर्प्शन पावर क्या है वो आप देखिए। और ये जो दिया हुआ है ये सिर्फ एक लेयर दे दिए हैं। ठीक है, ये भी गीला है ना? बिल्कुल गीला है। और ये तो गीला था ही था, ये तो है ही है ना। ठीक है ना, ऊपर वो और उसके ऊपर ये जो आप देख पा रहे हैं ये सबसे जो फर्स्ट लेयर रहता है जो कि मतलब टच में रहता है बॉडी के, ये बॉडी के टच में यही था ना, क्योंकि इसके नीचे नीचे भाग में था ना ये। अच्छा, ये सबसे ऊपर भाग में, ये नीचे भाग से निकल रहा था इसलिए नीचे से निकाला। ये क्या था जो सबसे ऊपर भाग में रहता है, जरा फाड़ के देखिएगा इसको। प्लास्टिक है ना। तो प्लास्टिक क्या करता है हमारे शरीर को, वो तो नुकसान ही करेगा है ना। जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर 98 डिग्री रहता है तो आप समझ सकते हैं कि प्लास्टिक हम लोग जब थर्मामीटर लगाते हैं जीप वगैरह में तो अब वहाँ ये बॉडी के टेम्परेचर में ये क्या हाल करता होगा, चार घंटा पाँच घंटा रहता है और पूरा का पूरा देख लीजिए ये पूरा प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक है शरीर के लिए। तो ये अच्छा है या खराब आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अपने प्रोडक्ट क्वालिटी, अपने प्रोडक्ट में आवाज़ कैसे कर रहा है कागज के है ना, फाड़ के देखिए। क्या प्लास्टिक है? ये कपड़ा जो आजकल जिसका वो थैले वगैरह बन के आ रहे हैं ना। हाँ। उसी टाइप जो मास्क होता है ना, मास्क टाइप है ना। अच्छा, ठीक है, ये एनियन चिप है। ये जो आप कॉटन देख रहे हैं, आप एक भी पार्ट उसका गीला, सिर्फ प्लास्टिक उसका देखे होंगे सूखा होगा, बाकी सब गीला रहता है। अब इसका जो भी आवाज सुनते होंगे ना कागज की तरह सुन रहे है ना। ये देखिए, ये जो है इसके नीचे और ऊपर लेयर रैप किया हुआ, ये आपका जो टिश्यू पेपर हम लोग यूज करते हैं ना, ये टिश्यू पेपर वाला। ठीक है, ये जो है देख रहे हैं आप, मेन चीज ये पाउडर आए है जो ये आ रहा है। दोनों हाथ लाइए अपने ऐसे सीधे और गीले में इसको गोला बना दीजिए। आया पानी? हाँ, पानी तो नहीं है। नहीं आया? हाँ, कुछ भी नहीं आया। नहीं है, साफ दीजिए उनको। पानी है नहीं इसके अंदर? नहीं है। पानी गाया पूरा है ना। अब ये देखेंगे आप, ये जो है ये कितना रुई का है ये लेप। ठीक है, सुखाई रुई का लेप। पर प्लास्टिक का यूज ही नहीं है उसमें, प्लास्टिक का यूज ही नहीं है। ठीक है, और ये जो आपने देखा, आपने देख ही लिया इसमें है ना। अब ये जितना पानी आपने दिया था उसमें उतना ही पानी दे दीजिए आप, फिर पूरा पानी सब ले लीजिए इसमें, इसी में, इसी में जितना पानी उसने दिए थे ना इसमें रखिए उतना पानी। कितना इसमें, इसमें इसमें दिया था ना 75%? हाँ हाँ, तो उतना समझ कर तो इसे फेंकना पड़ेगा ना। हाँ, इसे फेंकना पड़ेगा, पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब देखिए जितना पानी आपने दिया था उसने रख लिया। अब देखिए इसको एक बार उखाड़िएगा, अपने हाथ से इसको उखाड़िएगा, चिपका हुआ सही है या नहीं? सही चिपका है, है ना। हाँ, और इसमें भी ये रिसाइकल वाला प्लास्टिक, प्लास्टिक है रिसाइकल वाला है ना। सबसे लास्ट में तो
अच्छा अच्छा ठीक है हाँ ठीक ठीक। अब उसको हाथ पे लीजिए निकाल। हाँ ये भी ऑब्जर्व कर दिया उसने, है ना ठीक है। उसमें पानी आया नहीं आया सर पानी? देखिए आप भी एक बार डबल हो गया ना दोबारा से? हाँ डबल हो गया उससे भी ज़्यादा। फिर भी पानी आया क्या? फिर भी पानी आया। पानी आया आराम से। आप दोनों के प्रोडक्ट को देखा, कौन प्रोडक्ट आपको अच्छा? हाँ ऑब्वियसली ये बेस्ट है, पेक्युलियर ये बेस्ट है। कंपनी का क्या नाम है? पेक्युलियर। पेक्युलियर आपको अच्छा लगा या मार्केट का कंपनी है? इसलिए ये अच्छा है, पेक्युलियर अच्छा है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, मतलब डबल क्वालिटी है मानो।